आपकी वाणी की शुद्धता, जो शुद्धता केवल वाणी में नहीं होती थी लेकिन उनकी अंतर आत्मा से उजागर होकर निकलती थी। और उनकी क्या पुकार थी? उनकी पुकार केवल एक थी, एक ही पुकार थी उनकी कि हर इंसान को सामान्य रूप से देखा जाना चाहिए और उसके गुण और अवगुण को साधारण रूप से देखकर उसे स्थान सम्मान का दिया जाना चाहिए। जब आपका जन्म इस पृथ्वी पर होता है तब इस पृथ्वी पर हर इंसान का वही सम्मान रखना हमारा दायित्व होता है। और काबिलियत के आधार पर, जनता के साथ जुड़ाव के आधार पर, अंतरात्मा की ज्वालामुखी के आधार पर उस व्यक्ति का विकास और प्रगति सुनिश्चित होना चाहिए। और आज उनकी जो लड़ाई की, संत कबीरदास जी की, जो गांव गांव गए, चप्पे चप्पे पर गए, इस सोच और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, मैं मानता हूं और सोचता हूं कि आज भी भारतवर्ष में उनकी सोच और विचारधारा की इतनी भी सख्त जरूरत है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि आज अगर मध्य प्रदेश में विधानसभा में 230 सीटों में से सीट आरक्षित की जाती है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती है, लेकिन मंत्रिमंडल में आरक्षण नहीं होता, लेकिन आज मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों में से 5 मंत्री हमारे अनुसूचित जाति से आज भी हमारे मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में, मतलब 20%। और उन 20% में से मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारे अहिरवाल समाज के नेतृत्व करने वाले हमारी इमरती देवी और प्रभुराम चौधरी जी दोनों आपके समक्ष खड़े हुए हैं। और मैं इतना भी आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इनका दायित्व केवल अहिरवाल समाज का नेतृत्व करने का नहीं है, इनका दायित्व है पूरे मध्य प्रदेश की जनता का नेतृत्व करने का। आज हमारे मंत्रालय में, हमारी सरकार में, जहां एक तरफ प्रभुराम चौधरी जी स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र देख रहे हैं, इमरती जी बाल विकास की क्षेत्र देख रही है, महिलाओं की क्षेत्र देख रही है, तुलसी सिलावट जी स्वास्थ्य का क्षेत्र देख रहे हैं, तो हमारा मध्य प्रदेश का भविष्य आज इन तीनों के हाथों में है। विजय लक्ष्मी जी शिक्षा का क्षेत्र, पर्यटन का क्षेत्र, पर्यावरण का क्षेत्र देख रही हैं, सज्जन सिंह वर्मा पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र देख रहे हैं, लखन गंगोरिया जी को जिम्मेदारी दी गई है, तो आज हमारा ये दायित्व बनता है कि समाज की रखवाली, इस समाज का सम्मान बनाए रखना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और हर कांग्रेस का सैनिक की जिम्मेदारी बनती है।